दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की स्टेज अदाकाराओं की नाजेबा वीडियो का मामला उठा था, जिसमें कानून की मदद से मुजरिम की शनाख्त करके उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस को तमाम अदाकाराओं की जानिब से संगीन नोयत का जुर्म करार दिया गया था। ताहम कानून से भी इस केस के मुजरिमान को सख्त से सख्त सजा देने की दरख्वास्त की गई थी। ताहम इस केस के मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अदाकारा और शालिमा थिएटर जिम्मेदारान के दरमियान सुलह हो गई है। ये सुलह थिएटर की फलाह और बहबूद के लिए की गई है, जिसमें नामवर स्टेज प्रोड्यूसर्स ने अहम और मरकजी किरदार अदा किया है। ख्याल रहे कि इस सुलह में शामिल अदाकाराओं में अदाकारा खुशबू और अदाकारा महक नूर का नाम शामिल है, जबकि शालिमा थिएटर की इंतजामिया के इस केस में मुलविस होने के कोई शायद मसूल नहीं हुए हैं। वाज रहे कि गिरफ्तार मुलजिम की जानिब से जो बयान दिया गया था, उसमें अदाकारा खुशबू पर तमाम नाजेबा वीडियोस बनवाने का इल्जाम आयद किया गया था। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान शोबिस और थिएटर इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा खुशबू खान का कहना था कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ वीडियो स्कैंडल प्री प्लान तैयार किया गया था। फाज वीडियो स्कैंडल की जद में आई हुई अदाकारा खुशबू खान का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सफाई में कहना था कि मैं आप सबके सामने हूँ, मेरे खिलाफ कोई सबूत है सामने लाए जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त शहर में ही नहीं थी जब यह स्कैंडल सामने आया। जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाए उन पर खुद बेशुमार इल्जाम और मुकदमा दर्ज हैं। अदाकारा का कहना था कि शालिमा थिएटर में फास्ट डांस और दीगर लगवाद भी उन्होंने शुरू करवाए, जब ये चीज़ें आ रही थी तब ये सामने क्यों नहीं आया? मेरे पास स्टेज अदाकारों की वीडियोस 25 तारीख को नहीं पहुंची। खुशबू खान का कहना था इमरान शो की आमिर रंगीला और दीगर के पास इससे कबल वीडियोस कैसे पहुंची, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि ना तो मेरे फोन से वीडियोस बनी और ना ही फॉरवर्ड हुई। अदाकारा खुशबू खान का कहना था मेरे खिलाफ सियासी प्री प्लान साजिश तैयार की गई। शालिमा थिएटर के हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। रात भर काशिफ कद्दू को मलक तारिक उसके बेटे और बिलाल खान ने मारा और मेरे खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया। इल्जाम की बुछाड़ करते हुए स्टेज अदाकारा खुशबू खान का कहना था मलक तारिक पर जना, जुआ खेलने, फाश वीडियो थिएटर में चलाने के बेशुमार मुकदमात हैं। खुशबू खान की मैत करने सीनियर फनकारा आबिदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई थी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।